ना खेती में ठीक से किसी ने अप्लाई किया। आप मिट्टी का पंच महाभूत गड़बड़ है, ठीक कर लो। आप मिट्टी में मान लो अग्नि तत्व लिख लो आपके पास अगर हो, या रिकॉर्ड कर लो जो बातें मैं बता रहा हूं। रक्षायुर्वेद में गुड़ इतने से बात में है, 100 बार भी पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। भारत के प्राचीन ग्रंथों को समझने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। अंतर्दृष्टि मतलब आपका तीसरा नेत्र खुला होना चाहिए पढ़ने वाला। ये 2 आंख से पढ़ के नहीं समझ में आएगा। आपकी तीसरा आंख जो है, आपका जो अंतर्दृष्टि है वो खुला होगा, तब अर्थ समझ में आएगा। तो अगर आपकी मिट्टी का भूमि जो है अग्नि तत्व अगर घटा हुआ है, मतलब मिट्टी कफज है भाई। अग्नि तत्व कम है मतलब कफ ऑटोमेटिक बढ़ गया है। अग्नि तत्व समझ रहे ना, जो हमारे शरीर में होता है, कम होना चाहिए। कफज है, इसका लक्षण क्या है? पौधे में रस चूसा कीट बहुत आते होंगे, पौधे में फंगस बहुत आता होगा, पौधे में वायरस आता होगा। तो रस चूसक कीट अगर आते हैं मतलब पौधा कफज है। अब पौधे का कब खत्म करना है, तो लाल रंग की चीजें पौधे को खिलानी पड़ेगी। कौन सी चीजें खिलानी पड़ेगी? लाल और पीली रंग, क्योंकि लाल और पीला रंग पित्त होता है। क्या होता है? पित्त होता है। तो सबसे पहले खेत में मैं डलवाता हूं लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? अगर अग्नि तत्व कम है तो खेत में आधा से 1 टन लाल मिट्टी डालो। आपने देखा होगा कि पॉली हाउस के अंदर लाल मिट्टी के बेड बनाए जाते हैं, देखा होगा कि नहीं देखा है? वो क्यों पीली की क्यों नहीं बनवाते, सफेद की क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनको पता है लाल मिट्टी में ही वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिससे सब्जी का उत्पादन हो सकता है, इसलिए पॉली हाउस के अंदर लाल मिट्टी डलवाई जाती है। तो खेत में आधा से 1 टन लाल मिट्टी डालना है। आपकी जो अग्नि तत्व तो कम है वो अप हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी। और लाल जहां अग्नि तत्व तो कम है वहां भूमि तत्व तो भी कम है। ये अमूमन 99% इनका चोली दामन का साथ है। अग्नि कम है मतलब भूमि भी कम है। भूमि मतलब जिंक, आयरन, कैल्सियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान की मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। क्या नहीं है? माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है मतलब भूमि तत्व नहीं है। तो ये लाल मिट्टी डालोगे तो भूमि तत्व की भी पूर्ति होगी। भूमि तत्व यानी खनिज तत्व। ऊपर की आज की हमारी मिट्टी अब केवल मिट्टी है, भूमि नहीं रही। भूमि उसको बोलते हैं जहां खनिज तत्व अणु और जीवाणु दोनों होते हैं। और ये परिभाषा मैंने भगवान कृष्ण ने कहा, यास्मिन भूमियाम जीवा अनास्ति सा भूमि अनास्ति। जिस भूमि में जीवाणु नहीं है वह भूमि नहीं है, सा भूमि अनास्ति। तो अणु और जीवाणु अगर ऊपर के 6 इंच में नहीं है वो मिट्टी है। मिट्टी मरी चीज को कहते हैं। आदमी मर जाता तो कहते हैं ये मिट्टी हो गया। तो वास्तव में हमारी खेत की मिट्टी अब मिट्टी हो गई, भूमि नहीं बची। भूमि बचा बनाना है तो पड़े अणु डालो, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी उसमें डालना है। यहां सफेद मिट्टी वाला एरिया है तो नहीं डालना, पर लाल पीली मिट्टी डालना। देखिए आपकी मिट्टी खराब हुई है तो मैं मिट्टी रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं कोई फर्टिलाइजर रिकमेंड कर रहा हूँ क्या? मैं बोल रहा हूँ लाल मिट्टी डालो जिसमें आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, पोटेशियम है। 1 टन मिट्टी रिकमेंड कर रहा हूं 1 टन में। तो ऐसे लाल पीली सफेद मिट्टी 1 टन डालते ही आपकी खेती में अग्नि तत्व भी अप हो जाएगा और भूमि तत्व मिट्टी में पूर्ण हो जाएगा। अब इसको जांच कैसे करोगे? हाँ, 1 एकड़ में 1 टन। अभी कोई ऐसे नाप भी नहीं कर रहा हूं, पर मिनिमम आपने मान लो ज्यादा भी हो गया, मान लो किसी खेत में आधा टन की जरूरत है और आपने 1 टन लाल मिट्टी डाल गया तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है, वो आपका एक्स्ट्रा डिपॉजिट है।
अगले 5-7 साल जबरदस्त खेती होगी वहां। एक टन लाल मिट्टी, आधा टन पीली मिट्टी। राजस्थान में सफेद मिट्टी की जरूरत नहीं, पंजाब हरियाणा तक वो जो क्षेत्र है। लेकिन अगर अगर कहीं कोई दिक्कत है तो टीसी बीटे एक्सपर्ट जो है वो समझ जाएगा, या मिट्टी की जांच में अगर कैल्शियम नहीं आ रहा है और जो है एमपी में बोरान नहीं आ रहा है, तब सफेद मिट्टी उसमें लगेगा, वो भी ज्यादा ज्यादा 2-2.5 क्विंटल यहाँ। लेकिन जो काली मिट्टी वाले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उनको एक आधा टन तो डालना ही है और 6 महीने बाद फिर आधा टन डालना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जुताई करने के कारण ऊपर की मिट्टी बह गई है, भूमि तत्व तो बह गया या लीच हो गया, अंदर चला गया, जिंक, मैग्नीज, कॉपर अंदर चला गया। क्योंकि जितनी बार जुताई करोगे आप और पानी चलाओगे उतने बार भारी तत्व तो नीचे जाने शुरू हो जाएंगे, बहने शुरू हो जाएंगे। तो अब इसकी जांच कैसे करोगे? तो पकड़ो जरा, पकड़े प्रिया जी, अभी जांच जिसको माला आता वही कर सकता है। कितने लोगों ने माला सीख लिया? हाथ उठाओ जरा, ये आप लोग जो है खड़े हो जाओ, इनका चेहरा देख लो भैया, उधर मुकर खड़े हो, इनके पास आना है, ये है इसके डॉक्टर, जिनको माला आ गया है चेक करना पंच महाभूत, जिनको मैंने सिखाया या मेरे बिहाफ पर भी जिन्होंने सीख लिया है, ये पंच महाभूतों के जानकार हो गए। अब चेक कैसे करेंगे? हाथ हाथ में रखो ना, तो पब्लिक को नहीं दिखेगा। हाँ, अब क्या करना है, इस मिट्टी के ऊपर ये आपका जो प्लग पॉइंट है उसको रखना है। हाँ, ऐसे प्लग पॉइंट को रखे और माला लिए। तो अभी माला मेरा कह रहा है कि इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की बेहद कमी है, मतलब भूमि तत्व, ये अंगूठा यानी भूमि तत्व। फिर ये दूसरा हम गगन तत्व, अभी गगन तत्व तो इसमें ठीक है, गगन तत्व तो क्या है मैं बताऊंगा अभी, अभी ये ठीक है, इस मिट्टी में गगन तत्व तो है। फिर वायु तत्व तो इस मिट्टी में नहीं है, अग्नि तत्व तो इस मिट्टी में नहीं है और नीर तत्व तो भी इस मिट्टी में नहीं है। तो पंच महाभूतों में 4 महाभूत जिनसे शरीर, पंच महाभूतों में 4 महाभूत माइनस में, कौन कौन से माइनस रख दो, हाँ इनको बताते, बताओ भैया कौन कौन से माइनस में है, कौन कौन से तत्व नहीं है, भूमि तत्व नहीं है, वायु तत्व नहीं है, अग्नि तत्व नहीं है, नीर तत्व नहीं है, पंच महाभूतों में 4 महाभूत नहीं है, वहां खेती अच्छी होगी क्या? एक एक महाभूत की बहुत जरूरत होती है। अच्छा नहीं हुई उसमें, कौन सी फसल लगाई थी? बाजरा। कितना बड़ा हुआ? हाँ अच्छा, अब इतना बड़ा भी क्यों हुआ वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है बैठिया। एक एक तत्व का पहले अर्थ समझ लो फिर जांच समझाता हूं, ठीक है। हाँ कुर्सी थोड़ा सा और आगे करो, बस ज्यादा नहीं, इतना ही। हाँ पानी थोड़ देर बाद। एक एक तत्व देखो, ये पूरा साइंस है ना, ये किसी ने नहीं किया ऑल ओवर वर्ल्ड, इसलिए कोई सक्सेस भी नहीं हुआ। केवल पंच महाभूतों से पूरी दुनिया टिकी है और ये पंच महाभूत जीवित हैं। जैसे आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं वैसे भूमि गगन वायु मेरी आवाज को सुनते हैं, मैं मंच पे सिद्ध करूंगा अभी। और केवल आप नहीं सुन रहे हो, इस मिट्टी के छोटे छोटे कण में जो बैक्टीरिया है, एक एक ग्राम में 2-2, 3-3 करोड़ बैक्टीरिया हैं, वो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उसी भाव से सुन रहे हैं जिस भाव से आप सुन रहे हो। और पहली बार वो खुशी से नाच रहे हैं कि कोई व्यक्ति आया जो हमारी बात कर रहा है। और पंच महाभूत जो भगवान है वो भी खुशी से झूम रहे हैं कि पहली बार कोई व्यक्ति पैदा हुआ जो हमारी बात कर रहा है, नहीं तो आज तक तो हर कोई जो है भाई ये मिट्टी से निकाल लो और पानी से निकाल लो और निकाल लो की बात कर रहे थे। इन पंच महाभूतों की हमारी बात सुनते हैं, ये हमने देखा एक प्रयोग करके, अभी और मैं 1-2 प्रयोग करके आपको सिद्ध करूंगा। तो सबसे पहला है भूमि महाभूत, ठीक है। इस प्रकृति में पहली आई ऊर्जा, ऊर्जा के बाद आए 3 अनादि तत्व,
मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी ब्रह्मा, प्रोटॉन यानी महेश या शंकर, और न्यूट्रॉन यानी विष्णु। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जुड़े हैं, ब्रह्मा और विष्णु और महेश, और विष्णु की नाभि से एक जो है नाल निकला और उससे वो ब्रह्मा जी बने हुए, ऐसा आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन, ये अनादि तत्व है, शुरू से ही है इस प्रकृति में। इसके बाद तीसरे जो तत्व है वो पंच महाभूत है, जिनसे प्रकृति की रचना हुई, भूमि तत्व, गगन तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, नीर तत्व। भूमि तत्व यानी वो 108 तत्व जो जमीन में होने चाहिए, जिनको आधुनिक विज्ञान कहता हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से लेकर के सोना, चांदी, जिंक, तांबा, मैग्नीज तक। ये तत्व है भूमि तत्व जो जमीन में होते हैं, इनका एक रूप होता है। हाइड्रोजन लाल होता है, हीलियम थोड़ा लाल है, आयरन काला है, पोटेशियम लाल है, ठीक है, सोना कैसा है, पीला है, चांदी सफेद। इनका एक रूप होता है कि नहीं होता है? चांदी को कितना ही आप तोड़ोगे, सफेद का सफेद रहेगा कि पीला हो जाएगा? सफेद रहेगा। सोना कितना ही तोड़ोगे, पीला रहेगा। तो इनका एक रूप होता है, जब वो रूप की अवस्था में होते तब कहलाते भूमि तत्व। किस अवस्था में होते हैं? रूप की अवस्था में। तो आपकी मिट्टी में रूप की अवस्था में होना ही चाहिए, इनको बोला गया है अणु। इनको क्या बोला गया है? और हर अणु को खाने वाला प्रकृति में एक जीवाणु है। जिंक को खाने वाला जिंक का जीवाणु प्रकृति में है, वो जिंक ही खाएगा, आयरन मैग्नीज नहीं खाएगा। कॉपर को खाने वाला मिट्टी में कॉपर का जीवाणु है, जो कॉपर के अणु को खाता है वो क्या कहलाएगा? कॉपर का जीवाणु। उसको आयरन दोगे खाने को तो खाएगा क्या? केले का कैल्शियम निकाल के दोगे बढ़िया मीठा वाला, खाएगा क्या? तो आयरन का जीवाणु आयरन ही खाता है, पोटास का जीवाणु पोटास ही खाता है, जिंक का जीवाणु जिंक ही खाता है। तो सभी 108 अणु और सभी 108 जीवाणु, ये दोनों जो है मिट्टी में होने चाहिए। जब ये दोनों रहेंगे तब वो कहलाता है भूमि, और जहां ये दोनों होते हैं उसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यास्मिन भूमियाम जीवा नास्ति स भूमि एव नास्ति। जिस भूमि में ये जीवाणु नहीं है, मतलब जीवाणु तब होंगे जब अणु होगा, अणु नहीं होगा तो जीवाणु होगा क्या? मान लो जिंक का अणु नहीं है तो जिंक का जीवाणु होगा क्या? आप खूब जिंक का जीवाणु डाल रहे हो, बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। आपने अगर जिंक नहीं डाला और जिंक का जीवाणु खूब डालोगे, कुछ नहीं होने वाला है। भारत में लाखों लोगों ने डिकम्पोजर डाला, एक समय आया पूरा पंजाब हरियाणा टूट पड़ा था, अब बंद कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि अणु डालोगे नहीं और जीवाणु डालोगे तो अणु जिंदा रहने ही वाला नहीं, वो बेचारा ये अपने ही भोजन करता है। तो ये हो गया भूमि तत्व। दूसरा हो गया गगन तत्व। गगन तत्व हमारी ये जो सिराएं है ना, नसें जहां से खून आता जाता है, उसके अंदर जो तत्व है वो है गगन तत्व। बात मत करो भाई आसपास मेरे। तो अभी ये बताओ, ये जो नसें हैं इनमें हवा घुस जाए तो खून का आना जाना रुकेगा कि ऐसे ही रहेगा? ये जटिल रुकेगा ना, मतलब हवा भी नहीं होना चाहिए ना इसके अंदर। पानी घुस जाए तो अगर जो है इन नसों के अंदर निर्वात होनी चाहिए, ना हवा ना पानी कुछ नहीं है, वो जो निर्वात है वो तीन ऊर्जाओं से बनी है, शैल, पुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा। ये तीन ऊर्जा नसों के अंदर होनी चाहिए, चौथी ऊर्जा नहीं। चौथी ऊर्जा होते ही वो नसों में ब्लॉकेज बनने शुरू हो जाएंगे। तो जो खाली है वो है आकाश तत्व, मतलब वो भी एक तत्व है, वो भी एक वस्तु है, वो भी एक जीव है, वो भी एक चैतन्य है, वो भी एक पूर्ण है। वैसे इस मिट्टी में आकाश तत्व होना चाहिए। आकाश तत्व होगा तो जड़ें गहराई में जाएंगी, पानी अंदर जाएगा, जड़ पकड़ बना सकती हैं, बीज का अंकुरण ठीक होगा,
पौधे में ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि आकाश तत्व पिता तत्व है। हमने आकाश को पिता कहा है, भूमि को माता कहा है। तो ये पिता तत्व मिट्टी में होगा, उसकी पहचान आप माला से ही कर सकते हो, क्योंकि जो दिखाई नहीं दे रहा उसकी क्या पहचान कर पाओगे आप। माला अगर है और इससे आप बात कर रहे हो तो आप समझ जाना आकाश तत्व को, आकाश तत्व पिता तत्व है, ये जर्मिनेशन करता है, ग्रोथ देता है, आधार देता है, पकड़ बना के रखता है, ये पूरे ब्रह्मांड को पकड़ बना के रखा है, सारे ग्रहों को, सूर्य तारे और धरती और चंद्रमा को आकाश तत्व ने पकड़ बना के रखा है। तो मिट्टी में आकाश तत्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ कि ना? अभी आपने बार बार जुताई करके उसको ठस कर दिया है, जितना ज्यादा ठस करोगे भूमि गगन तत्व घटेगा। माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है ना, तो माता को कोई वजन नहीं रहता। आप जांचोगे तो मशीन में रखोगे तो ढाई, मतलब माता का वजन मान लो, उनका मूल वजन गर्भ के पहले मान लो 50 किलो रहा है तो 52.5 किलो दिखेगा, पर माता के लिए 2.5 किलो वजन नहीं होता, क्योंकि उसके चारों तरफ आकाश तत्व जिसको प्लेसेंटा बोलते वो होता है आकाश तत्व। अगर माता को 2.5 किलो का बोझ उसके यहां रख दिया जाए तो 3 महीना लेके घूम सकती है क्या? नहीं घूम सकती, वो 2.5 किलो बहुत बड़ा पहाड़ है उनके लिए, फिर नहीं वो वजन को रख सकती। लेकिन वो आकाश तत्व के वजह से वो वजन उनके लिए शून्य है। तो आपको अगर आंधी तूफान में भी पौधे ज्यों के त्यों खड़े रहने की कला, आप चाहते हो कि खड़े रहे पौधे ज्यों के त्यों, तो आकाश तत्व जमीन में बढ़ाइए। आपका जर्मिनेशन 100% हो तो आकाश तत्व मिट्टी में बढ़ाइए, ठीक है? आकाश तत्व के घटने की, आप घटा हुआ है जांच केवल इससे कर सकते हो, हाथ वाली विधि वहां काम नहीं आएगी, वहां टीसीबीटी विधि ही काम आएगी। और ये आप मोबाइल से फोटो भेज के भी करवा सकते हो, आप मोबाइल को आप देख लिए और केवल आप इमेज यहां बनाइए उस खेत का, क्योंकि जैसी वो फोटो भी इमेज भी एनर्जी होती है, क्योंकि फोटो खींचे तो एनर्जी की कहीं तो फोटो आया ना, और ये एनर्जी यात्रा भी करती है SMS से और WhatsApp से बराबर यात्रा। अब आकाश तत्व तो नहीं है तो उसका उपाय है कम से कम 100 लीटर गौमूत्र पर एकड़ डालना है आपको, एक बार में नहीं, कम से कम 5-7 बार में, 10 बार में क्या डालना है, क्या डालना है, देसी गाय का गौमूत्र 10 बार करके डाल दो, 10-10 लीटर हर सिंचाई में, आकाश तत्व की निर्मति हो जाएगी। समस्या बड़ी थी, समाधान ज्यादा बड़ा नहीं है। हमारे शरीर में आकाश तत्व नहीं है, बीज शुक्र ठीक से नहीं बनता, रज ठीक से नहीं बनता, शुक्र ठीक से नहीं बनता, तो भी सबको गौमूत्र पीना पड़ेगा 20-20 ml सुबह शाम, तो आपके शरीर में ऑटोमेटिक आकाश तत्व की निर्मति होगी। 2-3 महीने बाद आपको लगेगा कि मैं 2-3 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। अगर अभी आप दौड़ नहीं सकते हो, 200 मीटर दौड़ के थक जाते हो, मतलब आपका आकाश तत्व माइनस में चला गया है। 8% आकाश तत्व होना चाहिए हमारे शरीर में। आप सुबह शाम गौमूत्र पीजिए, 2 महीने बाद आप 4 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता ऑटोमेटिक आ जाएगी। दुनिया के लिए आपका वजन 1 क्विंटल होगा, आपके लिए आपका वजन 0 होगा। तीसरा है वायु तत्व। वायु तत्व क्या करता है कि हमारे शरीर में 21% वायु तत्व है, 70% जल तत्व है। यत यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड। इस धरती में 70% जल है तो हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल रहना है, 70%। कितनी समानता है, आपकी मिट्टी का पीएच 7.2 होगा तो आपके ब्लड का पीएच भी 7.2 होगा। आपकी मिट्टी में अगर आयरन जो है 0.05% तो आपके खून में भी आयरन 0.05% होगा, इतनी समानता है। तो वायु तत्व तो आपके शरीर में 21% होना चाहिए और मिट्टी में भी 21% वायु तत्व तो, आधुनिक विज्ञान कहता है 25% होना चाहिए। मेरा जो कैलकुलेशन वो 21% हवा होना चाहिए। जांचोगे कैसे,
आप एक ग्राम ढेले को यदि डालते हो ठहरे हुए, मतलब कांच के ग्लास में पानी रखो डालो, उसमें बुलबुले निकलते हुए दिखाई देने चाहिए। अगर बुलबुले निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, मतलब मिट्टी में वायु नहीं है। ये भौतिक इलाज है, इस इलाज में हो सकता है कमी बेसी हो जाए, पर माला वाले में कोई नहीं है। अगर माला उल्टा घूम रहा है, मतलब वायु तत्व नहीं है। और वायु तत्व नहीं है तो वापसा नहीं बनेगा मिट्टी में। क्या नहीं बनेगा? पौधा वापसा ग्रहण करता है, वाष्प और वायु, आधा पानी और आधा भाप, इसको बोलते हैं वापसा। और वायु तत्व नहीं है तो वायु तत्व को ठीक करने का उपाय है तिल। तिल जानते हैं, सफेद तिल, काली तिल, कोई भी तिल जमीन पे लगाइए, एक आध किलो, सवा किलो, ये C4 क्लास की होती है तिल, जनवरी दिसंबर छोड़ के कभी भी उग जाती है। आप जमीन पर बोइए और 45 दिन बाद तिल को रोटावेटर से जमीन में मिला दीजिए। जमीन में कार्बन की मात्रा जब बढ़ेगी, इसकी डंडी भी कार्बन है, पत्ती भी कार्बन है, 100% कार्बन केवल तिल से मिलता है, बाकी चीजों जो है वो हवा में उड़ जाती है, क्योंकि वो कच्चा कार्बन होता है। तो अगर वायु तत्व नहीं है तो तिल जमीन पे बो करके जमीन पे गड़ाना, 1-2 बार खूब से खूब, पूरी जिंदगी में, साल भर में कर लो ये कोर्स। तीसरा तत्व है आपका अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जो है, ज्यादा हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर, कम हो गया तो लो ब्लड प्रेशर, और अग्नि निकल गई तो राम नाम सत्य है। अग्नि का कितना महत्व है, ये अग्नि को आप अंकों में नहीं नाप सकते, हर जगह अग्नि तत्व चाहिए, भूमि में भी अग्नि तत्व चाहिए। अभी पूरे देश भर में अग्नि तत्व की कमी है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया, लाल मिट्टी डालोगे तो अग्नि तत्व स्वतः बढ़ेगा, और अग्नि तत्व को बढ़ाने का काम करता है भस्म रसायन। आप भस्म रसायन जमीन पर डालेंगे तो अग्नि तत्व बढ़ेगा। बुआई करते समय डाल दो 2-3 किलो, सिंचाई करते समय डाल दो 1-1 किलो, 2 बार, ऐसे 4-5 किलो जमीन पे डाल दो आप अग्नि तत्व। क्यों? भस्म रसायन में जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन है, ये सब पित्त बढ़ाने वाले तत्व हैं। और मिट्टी की अग्नि बढ़ा सकता है सूर्य का प्रकाश। आप जुताई करके एक जुताई करके धूप लगने दो, फिर एक जुताई करो 10-15 दिन बाद, फिर धूप लगने दो। जितना ज्यादा धूप को अवशोषित करेगा मिट्टी, मिट्टी की अग्नि तत्व बढ़ता है इससे, ठीक है। और अग्नि तत्व बढ़ता है तभी जर्मिनेशन ग्रोथ सब में आपको अंतर दिखता है, जिसको बोलते बतर देना। और फिर है नीर तत्व। नीर तत्व जो जल ही जीवन है बोलते ना, हमारे अंगों अंगों में नीर तत्व है, छोटी छोटी बाल के अंदर भी नीर तत्व है, एक एक अंग में जो है जल तत्व है। ये जल तत्व ही जीवन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है, हर जीवाणुओं को जीवन देता है। आदमी मर जाता है, उसकी आंखें मरती है क्या? आदमी मरता है तो आंखें मर जाती हैं क्या? नहीं मरती, क्योंकि आंखों के अंदर के बैक्टीरिया काम करते हैं। जब उनको भोजन यानी खून मिलना बंद हो जाता है तब वो मरते हैं 12-15 घंटे बाद। तो वहां पर जीवन देने का काम जल कर रहा है, उसके अंदर वो बैक्टीरिया है, और जब तक उस जल में जो है एनर्जी है तब तक वो बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे और आंख जिंदा रहेगा, और फिर आंख 50 साल फिर जीता है। आंख में बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापा हमारे शरीर में आता है, आंख तो फिर 50 साल जिंदा रहेगी। तो ये जल तत्व जीवन देने का काम करता है। ये जल तत्व की पकड़ मिट्टी में बननी चाहिए, वापसा बननी चाहिए। पौधा पानी नहीं पीता, पौधा भाप पीता है, और पौधा भाप भी नहीं, आधा भाप और आधा हवा, वापसा पीता है। इसलिए कोई कहता मैं खेत में तो सिंचाई कर परेशान हो रहा हूं, क्यों नहीं हो रहा है? तो इसी वजह से नहीं हो रहा है। तो अब ये जो नीर तत्व है, ये अगर मिट्टी में है, और नीर तत्व जो है मिट्टी के 15 फुट नीचे है, तब भी ऊपर के 2 इंच में पानी तत्व होता है, ये लाने का काम एक जीवाणु करता है, माइकोराइजा।
भरी गर्मी में इन पेड़ों के नीचे जो है पानी नहीं रहेगा मई जून में, लेकिन ये पेड़ों में जो है फूल आते हैं, हाँ कि ना? गर्मी में आते कि नहीं फूल? बिना पानी के फूल संभव है क्या? नहीं। ये पानी लाने का काम माइकोराइजा करता है, इसको मैं खेती का हनुमान कहता हूं। और ये माइकोराइजा लैब में बनता है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसकी ग्रोइंग स्टेज बंद हो जाती है। ये या तो तने के अंदर रहता है या मिट्टी में 15 फुट नीचे रहता है, जहां से पानी लाके देता है। तो ये बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं कहता हूं खेत में इसको जरूर डालना। तो इस तरह से पंच महाभूत आपके खेत में अगर माइनस में, उसको प्लस, मिट्टी पॉजिटिव कर लो, पंच महाभूत सम कर लो, केवल इतना काम कर लो, आपकी खेती में रसायन से 1.5 गुना प्रोडक्शन कम से कम में होगा। कितना गुना प्रोडक्शन? कम से कम 1.5 गुना प्रोडक्शन होगा। बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि पंच महाभूत सम है, मतलब त्रिदोष सम है, और त्रिदोष सम है मतलब बीमारी नहीं आएगी। तो ये दो जो ऊर्जा विज्ञान और पंच महाभूत, इस आधार पर किसी ने सोचा नहीं। आप TCBT विशेषज्ञों से ये चेक कराओ और इसको ठीक करो, प्रोडक्शन आना है। पर मैं अभी, मेरा जो है, मेरा जो सोचना है वो है प्राकृतिक खेती का। मेरा नारा किसानों के लिए पता है क्या है? बो और घर जाके कुछ काम नहीं करना आपको। आप काम करोगे मतलब गड़बड़ करोगे। जब प्रकृति काम करने को तैयार खड़ी है तो आप क्यों काम कर रहे हो? प्रकृति नाइट्रोजन देने को तैयार है, फास्फोरस देने को तैयार है, पोटास देने को तैयार है, प्रकृति पानी देने को तैयार है, फूल खिलाने को तैयार है, तो आप क्यों मेहनत कर रहे हो? तो ये मेरा नारा नहीं, मेरा लक्ष्य है कि किसान केवल नक्षत्र पर बोए, फसलों से प्रार्थना करे, सबकी मंगल कामना करे, ईश्वर का भजन करें और प्रेम करें बस। हमने जो है, मेरा लक्ष्य है किचन जो है महिलाओं के लिए किचन गायब और पुरुषों के लिए जुताई गायब, दोनों को काम नहीं करना। तो किचन गायब तो महिलाओं काम करना पड़ेगा क्या? और जुताई गायब तो पुरुषों क्या काम करना है? बहुत सरल है ये टेक्नोलॉजी। आप प्रकृति को काम करने दो, प्रकृति को काम करने तो, यानी मिट्टी में सभी जीवाणु पड़े हैं, जितने अणु उतने जीवाणु हैं, पानी का भी जीवाणु है मिट्टी में, अग्नि तत्व का भी जीवाणु है, सभी पंच महाभूत, सभी अणुओं को और सभी पंच महाभूतों के जीवाणु भी हैं। ये खेत में एस्टेब्लिश करना है आपको। ये सभी जीवाणु गोबर में होते हैं, बिल्कुल सही है, वो मैं वस्ते लक्ष्मी, लेकिन जीवाणु अन्न में भी होते हैं। अन्नात भवति भूतानि, भगवान कृष्ण ने स्पष्ट गीता में कहा, अन्न में भी जीवाणु होते हैं, फूलों में भी जीवाणु होते हैं, फलों के अंदर भी जीवाणु होते हैं, जड़ों के अंदर भी जीवाणु होते हैं, दीमक के टीले में भी जीवाणु होते हैं। ऐसे हमने लगभग 17 जगहों के जीवाणुओं को निकाल करके कैप्सूल कल्चर बनाया है, कैप्सूल में बंद कर दिया जीवाणु को। आपने देखा होगा छत्ता जो होता है उसका क्या बोलते हैं, कुकुर मुत्ते का छत्ता क्या बोलते हैं उसको, मशरूम, पूरा का पूरा फंगस है वो, फंगस की कॉलोनी है वो, जिसको आप खाते हो मशरूम, वो पूरी की पूरी फंगस है और फंगस का घर है। उसको अगर सुखा के पाउडर बना के रख लो, 500 साल पड़ा रहेगा, फिर वो पाउडर को आप कभी भी जो है बरसात के समय में डालोगे, फिर वो उगेगा और फिर छत्ता बना देगा। हमने जो बैक्टीरिया बनाए हैं, उसमें किसी वीडियो में देखा होगा, ये मोटे मोटे परत बने हैं बैक्टीरिया के, अपने आप वो उठा के देख रहे हैं। हमारे जैविक प्रमाणीकरण अधिकारी जो है भूषण जी जो है, उन्होंने देखा मेरा वीडियो, मैंने दिखाया है, ये मोटी मोटी परत बनी है बैक्टीरिया की। एक बार परत छत्ते बना लो, फिर उससे निकालते रहो बैक्टीरिया। हमने 102 बैक्टीरिया निकाल के कैप्सूल में सुरक्षित कर दिया और कैप्सूल में सुरक्षित भेजने की टेक्नोलॉजी दी। कुछ नहीं, कैप्सूल बुलाओ, वो जो है 7 कैप्सूल को पहले जो है 100 ग्राम जो है 100 लीटर सॉरी 10 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल के अच्छा उबालो, जब ठंडा हो जाए 7 कैप्सूल डाल दो, जामन डाल दो,
जामन उनकी डारमेंसी को तोड़ने वाला जो है उसके अंदर भोजन है, ग्लूकोज सुक्रोज फ्रुक्टोज कुछ बैक्टीरिया भी है। 7 दिन में वो मदर कल्चर बन जाएगा। उसमें से 2 लीटर निकालो, 200 लीटर पानी में डालो, 2 किलो गुड़ डालो, 2 किलो जो है 2 किलो गुड़ डालो, 2 लीटर छाछ डालो, 2 तुलसी के पत्ते डालो और 2 किलो पके फल या जैव रसायन डाल दो, हो तो नहीं तो कोई जरूरत नहीं, वो बन जाएगा जीवाणु जल। जितना चाहे मदर कल्चर से जीवाणु बनाते रहिए, 102 जीवाणु एक बार डाल तो दो आप, 1000 2000 लीटर 5000 लीटर, फिर देखो खेत में क्या कमाल होता है। तो इस तरह से जो है आपने जीवाणु अभी, लेकिन आपके खेत में बीमारी है बहुत ज्यादा, फंगस वायरस ही और इसके साथ रस चूसा कीट है, इसके ककून पड़े हैं मिट्टी में, तो ये हर साल पैदा होंगे। तीन को खाने वाला वायरस, जीवो जीवस से जीवनम, जीवों को खाने के लिए जीव हमको डालने हैं, खुद नहीं मारना। खेत में चूहे ज्यादा हो गए, घर में चूहे ज्यादा हो गए तो बिल्ली पालना, आपको उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी बिल्ली को, क्या बताना पड़ेगा कैसे चूहा खाना है, टेक्नोलॉजी सिखानी पड़ेगी क्या, वो जन्मजात सीखा हुआ है बिल्ली। वैसे ही ये जो है V+M+ में वायरस हैं, इनको 2-4 बार बस डाल दो जिंदगी में, 2-4 बार बस, पर एक साथ डालना, एक ही साल में कोर्स कर लेना, चाहे इस साल करो चाहे अगले साल करो, वो जमीन में पड़े वो ककून खा जाएंगे। फफूंद भक्षक तरल है 1/2 लीटर, 200 लीटर पानी में डालो, 2 किलो गुड़ डालो, इसमें छाछ नहीं डालना क्योंकि छाछ फफूंद नाशी होता है, और इसको जो है इसमें बढ़िया झाग निकलेगा डाल दो। तो ऐसे फार्मूले हैं, TCBT फार्मूले, आप सोल ऐप पे जाइए और वो सारे फार्मूले हैं, हमने जो आमंत्रण पत्र बनाया था उसमें भी है, तो सभी आप उसमें फार्मूले हैं। आप ये ऊर्जा जल का फार्मूला डालिए, जीवाणु जल का फार्मूला डालिए, अणु जल का, अणु जल भी क्या है अभी थोड़ा प्रैक्टिकल हम बताएंगे। प्रैक्टिकल है क्या एकाध है कुछ? अरे तो मैं फिर प्रैक्टिकल अभी जाएंगे, अब इतनी बड़ी संख्या थोड़ा दूर से ऐसे देखते हैं कितना हो सकता है, नहीं तो यूट्यूब में हमने सब डाला, छुपाया कुछ नहीं, सब यूट्यूब में हम डाल रहे हैं। आप अणु जल बना के स्प्रे कर दीजिए। एक जो है जयपुर के सज्जन, उन्होंने स्प्रे करते ही बोले पत्ते एकदम हरे कच्चे हो गए। एक जो है पटना के एक होम्योपैथी चिकित्सक हैं, मेरे लेक्चर सुनते सुनते अधीर हो गए, बोले मैं खुद खेती कर ही लेता हूँ, मैं इस साल 72 साल का आदमी, जैसे स्प्रे किया अणु जल का पत्ते हरे कच्चे 7 दिन में और 67-68 ग्रोथ आ गए धान में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी खेती पॉजिटिव थी, फंगस वायरस नहीं था। 7 दिन में 67-68, एक श्री राम जी आए उनकी 4.5 फुट ऊंचाई धान में आ गई, कंसे आ रहे हैं 100-150, क्योंकि जब जो है आप अणु डालोगे, प्लांट को अणु चाहिए, चाहे वो जीवाणु से मिले, चाहे भस्म रसायन से मिले, चाहे यूरिया DAP से मिले, प्लांट को इससे मतलब नहीं कि कहां से मिला, उसको चाहिए। आप अगर सिंथेटिक अणु दोगे तो प्लांट उसका रिवर्स इफेक्ट दिखाएगा, बस वो जहर उत्पन्न करेगा इनके खिलाफ। तो हमने बड़े सरल सरल ढंग से मात्र 50 पैसे पर लीटर का भस्म रसायन अणु जल बनाया है। जैव रसायन घर में बनाइए, 1-3-10 150 लीटर पानी में 50 किलो फल डाल दो। अभी वो इंद्रायणी आ रहा है ना, फ्री में मिलता है, कल उसकी सब्जी खाए बहुत स्वादिष्ट था, बस अच्छा काजरी है, इंद्रायणी कड़वा होता है, उसको 50 किलो काट के डाल दो, कड़वा जैव रसायन स्प्रे कर दो 5 ml प्रति पंप, रस चूसा कीट नहीं बैठेंगे। ये जो है खट्टी नींबू है, कुछ भी नींबू का कर दो, 2 ml प्रति पंप स्प्रे कर दो, 1 महीने पहले स्प्रे कर दो, जो 1 महीने पहले पहले फूल आ जाएगा। ये सब टेक्नोलॉजी है, कम समय में बताना बड़ा संभव नहीं है, पर इतना मान लो कि सही टेक्नोलॉजी के पास अब आप आ गए हो। मेरे तरफ से गारंटी है आपका पहले ही साल से रासायनिक से 1.25 गुना, अगले साल तो आप उछल उछल के बताओगे गुरुजी ये हो गया, गुरुजी वो हो गया। अब ये जितने लोग कर रहे हैं सब 6-6 महीने के वॉलंटियर्स हैं, 6-6 महीने में ये बता रहे हैं ये हो गया वो